आपको ब्रदर मोहम्मद अस्सलाम अशफाक जी। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। अल्लाह आपको, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है ना, फितने ऑनलाइन यूट्यूब पे आके मुसलमानों को भड़का रहे हैं लोग, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, मेरा आज का ये सवाल है। हेलो, जी हाँ बताइए। हाँ, बहुत सारे मुसलमान हैं जो जिनका ये अकीदा है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो मौजूद है तो या तो एक अल्लाह नहीं हो सकता ना, फिर अगर हर जगह मौजूद है तो हर चीज में ओके मौजूद है। बहुत सारे मुसलमान का यही मानना है कि अल्लाह हर जगह हर चीज में मौजूद है। जी। देखिए, सारे हाँ मुसलमानों का ये मानना नहीं है कि अल्लाह ताला हर जगह नहीं, मौजूद है। बहुत सारी क्वांटिटी अल्लाह ताला है ने जो कुरान में कह मुसलमान। दिया कि रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ऐसा कुरान और हदीस में नहीं है, और ना ऐसा सारे मुसलमानों का कोई अकीदा है। सहाबा का, ताबीन का, सलफ का जो अकीदा है वो यही कि अल्लाह ताला अर्श पर है, हर जगह अल्लाह ताला मौजूद नहीं। नहीं, जैसे जी बहुत सारे मुसलमान जो दलाइल भी देते हैं कि तुम जिधर चाहे देखो उधर अल्लाह मौजूद है, या नहीं, कोई तुम दलील एक नहीं। है जो तो भी एक है मुसलमान, तो दूसरा अल्लाह है। देखिए देखिए हाँ इब्रा देखिए देखिए अल्लाह के न, एक एक बात और कीजिए कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अपने पास बुलाया, इस वाकये से किसी को इनकार नहीं है। तकरीबन 30 सहाबा ने इसको रिवायत किया, और बाद में कितने, इसको मुतवातिर हदीस कहते हैं। इस हदीस पर सबका ईमान है। आप गौर कीजिए, अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो अल्लाह ताला को यहाँ से वहां पे अपने नबी को आसमान पे बुलाने की क्या जरूरत थी। तो ये मेराज का वाक्य एक जी बहुत बड़ा सबूत है। और फिर कुरान के बारे में क्या, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा, ए कुरान, इन्ना इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, हमने कुरान को नाजिल किया। कहाँ से नाजिल किया? ऊपर से अल्लाह ताला ने उतारा है, नाजिल किया है। तो ये अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो तंजील की बात क्यों, नाजिल करने की बात क्यों? नाजिल नहीं, ऊपर से कोई चीज उतर रही है। अगर हर जगह मौजूद है तो ऐसे दे दिया, हाथ यहाँ से उठा के और दे दिया। लेकिन ये अब बार बार जिब्रील इस्लाम का आसमान से नीचे आना, अल्लाह के नबी के पास कोई मैसेज लेके आना, ये सारी बहुत वाजे सबूत हैं कि अल्लाह ताला हर जगह नहीं है, जी अल्लाह ताला अर्श पर है। हाँ, अल्लाह ताला हर जगह पर, अल्लाह ताला हर जगह की चीज देखता है, अल्लाह ताला हर जगह का इल्म है। दिखता है हाँ, जानता है। क्या हो रहा है सब जी अल्लाह ताला जानता है, सब जी जगह अल्लाह ताला देखता है। लेकिन ये कि जात के एतबार से अल्लाह ताला अर्श पर है, ये सहाबे कराम का अकीदा है। सही जी मुस्लिम की कितनी वाजे हदीस आप देखें, बहुत ही क्लियर हदीस है। एक लौंडी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आइन अल्लाह कहाँ है, फअशारत इलस समा, उसने आसमान की तरफ इशारा किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आती कहा फइन्ना मोमिन, इसे आजाद कर दो तो मोमिन है। तो उस लौंडी ने, जो कि मतलब एक आम औरत थी, उसका ये अकीदा था कि अल्लाह आसमान में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे की ताईद फरमाई। इसलिए सही बात कुरान और हदीस और सहाबा ताबीन सलफ के नजर में जो सही अकीदा है कि अल्लाह ताला अर्श पर है और हर जगह का इल्म अल्लाह ताला के पास है, हर जगह अल्लाह ताला है, ऐसा कुरान और हदीस में नहीं है। जी दो जी बातें हैं, जैसे कि छोटी हाँ बोलिए आपकी बातों जी। पे छोटी सी दो बातें हैं। एक बात यह है कि हर इंसान की फितरत ही, कुरान हदीस के तो बेशुमार दलायल हैं, लेकिन एक जाहिल आदमी भी जिसकी कुरान और हदीस पे ऐसी दस्तरस नहीं हो, वो भी सोच सकता है कि हर इंसान की फितरत में ऊपर अल्लाह तबारक व तआला, हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, कोई बताए कि दुआ के लिए जब वो हाथ उठाता है तो उसका दिमाग नीचे की तरफ जाता है या दाएं की तरफ जाता है या बाएं की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है। अब सोचिए, हर इंसान की फितरत ये पुकारती है कि अल्लाह तबारक व तआला ऊपर है। ये तो आपके बातों का एक मतलब जो सवाल हुआ जो होता है उसका। और दूसरा ये कि जो आपका असल सवाल मैंने समझा वो ये है कि लोग कहते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद, तो अब जी अल्लाह जी एक है कि अनेक? जो लोग कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो लोग भी ये नहीं मानते कि अल्लाह कई है। मुसलमानों में जो लोग ये बात कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, वो ये उससे ये नहीं कहते कि अल्लाह कई है। वो एक ही माबूद को, एक ही अल्लाह, एक ही परवरदिगार को वो हर जगह मौजूद मानते हैं, और मुसलमानों में ऐसा मानने वाले हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि उनका अकीदा असल में है। ये दो बातें मुझे कहनी थी। अब अगर ओके किस पे जजाकल्लाह क्या सवाल है आपका? जी। जी क्या आपका सवाल क्लियर हो गया अखलाक भाई जी, अशफाक भाई जी जी नहीं, मैं तो इसमें एक
और एक बात यह है हाँ कि जैसे कि अल्लाह को दलाल लेते हैं लोग कि जैसे कि तुम दो हो तो मैं तीसरा हूँ, हाँ ये जैसे तुम जिधर रुक करो उधर मैं मौजूद हूँ, जैसे कि फिर बोलते हैं कि अल्लाह की जात एक जगह अर्श पर, अर्श पर है तो अर्श अर्श के अंदर अल्लाह ताला छोटा हो गया, फिर अल्लाहू अकबर है ये अल्लाह सवाल को उससे हम उसके बड़ा बाद है तो लेते फिर हैं, अर्श ये के दो अंदर दो कैसे सवाल को है। अलग करते हैं। रुकिए, जी आपके ये दोनों सवाल को अलग करते हैं। जी तो पहला सवाल जो आपने पूछा है ना, जी शेख किफायत या शेख सरफराज, आप बोलना चाहते हैं? नहीं कोई चलो बात नहीं, मैं आप बता बोले देता हूँ फिर आएगा कुछ तो बताएंगे। जी। देखिए, ये इस बारे में आपने जो पूछा ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके मुझसे बेहतर, आपसे मुझसे बेहतर सहाबा ने समझा कुरान को। तो ये जो वहुआ मा कुम, वो तुम्हारे साथ है, अइनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो, तो उसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बताया आलिमु बिकुम अइनमा कुंतुम, वो जानता है तुम जहां कहीं हो, मतलब उसके इल्म की बात हो रही है यहाँ पे, अल्लाह के इल्म की बात हो रही है। जब वो तुम्हारे साथ है बात आती है, तो इब्न अब्बास सहाबी रसूल की तफसीर है, सही इब्न अबी हातिम में सही सनद से मिलती है। और मा साथ का मतलब क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं, वो जो उनके साथ है। तो साथ है का मतलब ये नहीं कि हर कदम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे हैं तो सारे सहाबा साथ में कदम ले रहे हैं, मतलब ये क्या है, साथ का मतलब क्या, माइयत जो साथ का मतलब क्या है, तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि फिजिकल तौर पर, पर्सनल तौर पर साथ में रहना, पर्सनल तौर पर। तो अल्लाह जो साथ है वह हुआ महाकुम, इसके अंदर किस एतबार से, इब्न अब्बास ने बताया अपने इल्म के एतबार से। और इब्न कसीर ने तो यहाँ तक कहा है कि कई सलफ ने, मतलब कई स्कॉलर्स ने, पास्ट के कई स्कॉलर्स ने, कई स्कॉलर्स ने इस मौजू पर इजमा, इत्तिफाक नकल किया है कि इससे मुराद क्या है, ये जो आयतों में माँ जो है, इससे मुराद इल्म है, इल्मुहु ताला, अल्लाह ताला का इल्म है। तो ये बात है। और जो आयत अगर पढ़ेंगे आप डायरेक्टली, तो उसके अंदर भी खुद इसका आंसर मौजूद है। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। जहां तक आपने कहा कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, तो अर्श के ऊपर होने में अर्श छोटा हो गया, अल्लाह बड़ा हो गया। देखिए एक बात समझ लीजिए, सबसे आला जो मखलूक है, सबसे हाईएस्ट मखलूक है, वो अर्श है। और हम कहते हैं वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन, के खालिक की इबादत करो, मखलूक की इबादत मत करो, क्रिएटर की इबादत करो, क्रिएशन की इबादत मत करो। अब अल्लाह कैसा है, कुरान में तो दिया है सूरह 42 आयत नंबर 11, लैसा कमिथली शय, अल्लाह के बमिसल कोई नहीं है, अल्लाह के जैसा कोई भी नहीं है। अब आप और मैं जिसे देखते हैं भाई अर्श के ऊपर, कि कोई एक इंसान बैठता है तो कैसे बैठता है, आप और मैंने वही दिखा है ना, इंसान को ही देखा है ना बैठते हुए, आपने किसको देखा है, कोई इंसान को ही तो देखा है, लेकिन अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। ये बात हमें मिलती है कुरान और हदीस में कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल से बताऊंगा ताकि आपको ये बात समझ में आए, और इस तरह की बात से हम लोग सवाल का जवाब बहुत इजीली होगा, बल्कि शायद कई सवाल जो आने वाले हैं आज, उनका जवाब ये मिसाल में होगा। मिसाल ये आपकी स्क्रीन पर है, ये आप देख रहे हैं घड़ी के कांटे, हाँ, तो ये हैंड्स ऑफ द वॉच है, लेकिन आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते कि घड़ी के जो हाथ है वो हमारे हाथों जैसे होंगे, जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे घड़ी के हाथ अलग होते हैं ना, हमारे हाथों जैसा तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि इसके अंदर अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है, लेकिन जैसे अल्लाह तमाम कमियों से पाक है, उसका उसी तरह से उसकी हर सिफत तमाम कमियों से पाक है, उसका मुस्तवी होना भी तमाम कमियों से पाक है। और ये बात है कि कोई कहे भाई अर्श से बड़ा छोटा ही होगा, ये आपका दुनियावी परसेप्शन है, अल्लाह के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह को हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है। कोई है दुनिया में जिसने देखा है जो देख के बोल सकता है, तो वो बात सही थी, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। ये इम्तिहान चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आउट होगा, तो अभी तो यहाँ कोई नहीं बोल सकता मैंने देखा, क्योंकि ला तुद्रिकुहुल अबसार, नजरें उसे इहाता नहीं कर सकती। जो चीज नजरें देख सकती है तो देख के बोल सकती है कि हाँ बैठने वाला तो छोटा होगा, ये आपका दुनिया का परसेप्शन है। उसने ये वाजे कहा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, जब ये वाजे कहा हुआ है तो फिर उस बारे में हम दुनिया की बात उस पर फिट नहीं कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। जी, सलाम मैं और एक वालेकुम। एक सवाल छोटी सी बात थी, जैसे जैसे अगर कि जी, हाँ जी प्लीज ऐड करिए जी। एक आयत है जिसमें सारी बातों का जवाब मौजूद है, और ये तो बहुत अच्छी तौजीह हो गई सहाबा की तफसीर से। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध फी सित्तति अय्याम, वही वो जात जिसने आसमानों को और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, सुम्म स्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श पर मुस्तवी होने का अकीदा बयान किया, अर्श पर मुस्तवी हो गया। यालमु मा यलिजु फिल अर्ध व मा यखरुजु मिन्हा, जो जमीन में जाती है वो भी जानता है, जो उससे निकलता है वो भी जानता है, व मा यंजुलु मिनस समा, और जो आसमान से उतरता है वो भी जानता है, व मा यारुजु फीहा, जिसमें चढ़ता है वो भी जानता है।
पहले अर्श पर मुस्तवी होने का अकीदा बयान किया। अब किसी को कंफ्यूजन हो सकता था कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, दूर है, उसका कंफ्यूजन भी दूर किया। वह हुआ माकुम अइनमा कुंतुम वल्लाहु मा तअमलूना बसीर, और वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां भी रहो और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो देखने वाला है। तो दोनों अकीदे अल्लाह ने एक साथ बयान किए कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है। अब अर्श पर मुस्तवी कहने में और सुनने में कोई कंफ्यूजन पैदा होता तो उसका इजाला वह हुआ माकुम अइनमा कुंतुम कह करके किया अल्लाह तबारक व तआला ने। तो दोनों अकीदे एक साथ बयान किया और अल्लाह को वह इंसान मतलब अल्लाह को इंसान की कमजोरी का पता है, इंसान के कंफ्यूजन का पता है, इसलिए इस अकीदे को एक साथ बयान किया। वो पॉइंट भी बयान कर दिया जिसको लोग इसके मुखालफत में पेश करते हैं, और वो पॉइंट भी बयान कर दिया जो हमारा मक्का अकीदा है। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को लेते हैं। हमारे नेक्स्ट गेस्ट है बींग शकील, और उनके बाद में हम एथियस पंडित जी को लेंगे इंशाल्लाह। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आवाज आ रही है? वालेकुम।